नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी अंडास्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज शाम टाइम मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एक्चुअली ये वाली वीडियो नहीं, दूसरी वीडियो थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई बारिश होने के कारण। तो ये बारिश वाली वीडियो मैंने अलग से शूट कर लिया था। तो मैं देखिए, आस्था के पापा और आस्था दोनों ही सो गए हैं और रात का समय है और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। हमने सारे बर्तन भर के रख लिए, गाड़ी धुल गई है, फर्श धुल गया है पूरा, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। और अब हो गया था लगभग 10 बजे का टाइम हो गया था, तो अब हम जा रहे हैं सोने। मैं भी जा रही हूँ, अब 10 बज रहा होगा और बारिश अभी भी हो रहा है, लेकिन धीमा हो रहा है और लाइट जो है अब आ चुकी है। तो बस ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो प्रॉब्लम हो रही थी, नींद नहीं आती, मच्छर है ना काट रही थी। तो अब लाइट तो कम से कम आ चुकी है। मैं ना जा रही थी सोने, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना सूट कर लूँगी। तो अब हो चुका है सुबह, मुझे आस्था के लिए और आस्था के पापा के लिए बनाना था खाना, तो मैं बनाने लगी हूँ खाना। परवल की सब्जी बना रही थी मैं और यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, चाय बना के रख ली है, तो मैं इसे छान दे रही हूँ। और गिलास जो है ना, ये गिलास में चाय मैं पीती हूँ, इसलिए मैं गिलास में कभी कभी चाय पिया करती हूँ क्योंकि गिलास में ना ठंडा नहीं होता है जल्दी से चाय। अब मैं खाना बनाने में बिजी हो जाती हूँ, इतनी देर में कप में ना चाय वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, पीने का मन नहीं करता है। तो मैं ना इसलिए गिलास में चाय छान लिया है मैंने, ताकि जल्दी ठंडा ना हो। तो पहले यहाँ पे मैं मसाला डाल दूँ, उसके बाद फ्री होके मसाला फ्राई होता रहेगा, उस टाइम मैं चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे मसाले की व्यवस्था कर रही थी, पीस के रख लिया था मसाला पहले से ही। दोस्तों, सब्जी बना रही थी और सब मसाला हो गया फ्राई, तो मैंने एक टमाटर जो है वो काट के रखा था, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और मसाला जैसे ही फ्राई हो जाएगा और टमाटर भी फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये कटा कुटा ये रखा है परवल और आलू, तो अब इन्हें भी डाल दूँगी। उससे पहले मैंने हल्दी नमक डाल दिया है सब्ज़ी में, और ये मैंने डाल दिए हैं धोए हुए परवल, और परवल के छिलके नहीं उतारे हैं क्योंकि सब्जी का जो ज़्यादातर प्रोटीन रहता है वो छिलकों में ही रहता है, तो इसके कारण मैंने छिलके नहीं छीले थे आज परवल से। तो और आलू के भी नहीं छीलती हूँ, कभी कदाल छील देती हूँ। तो यहाँ पे आस्था आ गई, आस्था को मैंने कहा ये बर्तन रखे आओ, मीठे बर्तन थे चाय के, तो उसमें मक्खी लग रही थी, तो मैंने कहा तुम रखे आओ। तो अब आस्था बिस्किट लेके आ गई अपने खाने के लिए और चली गई, टीवी देख रही है आस्था। और आ जाइए एक बार, आपको फिर से लेके चलते हैं अम्मा के घर, और अम्मा क्या कर रही हैं वो भी देखते हैं। तो अम्मा यहाँ पे चूल्हे पे बना रही हैं रोटी, और यहाँ पे अम्मा का रखा हुआ है, रोटी नहीं बना रही हैं, सॉरी, उन्होंने अभी चूल्हा बारना स्टार्ट किया है, मैंने देखा नहीं था, चूल्हा बारना स्टार्ट किया है। और चूल्हे पे वो पहले दाल चढ़ा रही हैं, वो भी पतीले पे दाल चढ़ा रही हैं, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अम्मा की हेल्प करने। मैंने कहा कि आप खाना बना लो और मैं ये जो मठा बहाने का काम है ना, ये मैं कर देती हूँ। तो आप ये मठा बहाने का काम देख रहे होंगे, बहुत ही ईजी लग रहा होगा देखने में, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट लगता है ना, इतना ज़्यादा कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर दुख जाते हैं, इतना मतलब बहुत पसीने से पूरे भीग जाओगे आप गर्मियों के दिनों में। तो ये बस देखने में बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये इजी है नहीं। तो मैंने ये सेकंड बार मतलब भाया है, लेकिन मुझे बहुत हार्ड लगा, मेरा उतने ही देर में दोनों हाथ मेरे दुख गए थे। लेकिन मतलब पहला जो स्टेप होता है, इसमें तीन स्टेप वारी से ऐसे घुमाया जाता है, तो पहले स्टेप में मैंने ही घुमा दिया था, और फिर मुझे भी खाना पीना बनाना था तो मैं चली गई थी। तो यहाँ पे मैं ही भा रही हूँ और अम्मा अभी चूल्हे में आँच दे रही हैं। तो अब अम्मा आ गई क्योंकि अब इसमें से निकालना है, वो जो मक्खन होता है वो ऊपर आ गया था, तो अम्मा बोली कि तुम कर दो ये काम। तो मैं चूल्हा जलाने लगी, चूल्हा नहीं जल पाया था तो मैं जलाने लगी चूल्हा, क्योंकि दाल चढ़ी हुई है और अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो बन नहीं पाएगा, तो उनको भी लेट होगा। और चूल्हा आप देख रहे हैं ना, भीग गया है, और यहाँ पे देखिए मक्खन अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है, बढ़िया। तो बहुत ही ज़्यादा मक्खन आज की डेट में निकल गया था, अम्मा बता रही थी, कह रही थी कि बहुत बढ़िया मक्खन निकला। तो ये देख रहे हैं प्योर मक्खन, अब इसे थोड़ा सा पिघला देंगे, थोड़ी सी आँच दिखा देंगे, चूल्हे पर रख देंगे कढ़ाई में, तो घी बन जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध घी बन जाएगा। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, आ गई थी, मेरा खाना पीना वगैरह सब बन गया था, उसके बाद मैं गई थी अम्मा के घर में। तो अब मुझे यहाँ करना था सफाई, क्योंकि कल है संतान साथी, यूपी में संतान साथी मनाई जाती है, जो कि अपने बच्चे के लिए व्रत रखा जाता है, वो व्रत है कल की डेट में।
तो कुछ भी पूजा पाठ होता है तो थोड़ी सफाई वगैरह ज़रूरी होती है, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे बस सफाई करनी थी और मैंने इस वजह से सफाई करी क्योंकि बारिश है इन दिनों तो बहुत ज़्यादा जाले आले लग रहे हैं और वो छोटे छोटे कीड़े हो जा रहे हैं, तो वो उन्हीं सब की मैं साफ सफाई यहाँ पे कर रही थी। तो धूल मिट्टी भी, अगर मिट्टी का घर है तो धूल मिट्टी भी हो गया था इसके कारण। तो इस कमरे में रखे जाते हैं सिर्फ दुकान के सामान, तो एक दुकान का सामान ही है जो मैंने अलमारी में ऐसे रख दिया है। तो दोस्तों अब मैं ले आई थी गोबर टाल करने के लिए, और यहाँ पे जो मैंने पिछली बार नीले रंग से ढक दी थी, चूना से मैंने लीपा था, तो वो मैंने इस बार नहीं लीपा है क्योंकि वो कलर बढ़िया भी है और इतना ज़रूरत नहीं था, तो मैंने सोचा सिर्फ गोबर से ही लीप देती हूँ, उसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो मैंने वही किया। और देखिए इतना भी पता नहीं लग रहा है कि अभी ढक नहीं दिया हो मैंने, तो सुंदर लग रहा है वाकई में। तो आज इतने सभी काम करने के बाद तो मेरा हालत हो गया था बिल्कुल पंचर, और उसके बाद मैं बिल्कुल, जब मैंने नहा धो लिया था तो मैं बिल्कुल आराम करने के लिए चली गई थी दूसरे वाले कमरे में, और उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया। उसके एक दो घंटे बाद मैंने वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट किया। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है जब हम लीप देते हैं, तो कितना प्यारा लगने लगता है घर वाकई में। और अगर हम 2-3 या फिर 4-5 दिन में ही अगर लीप देते हैं ना, तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होती, बहुत कम मात्रा में धूल मिट्टी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब साफ सफाई घर बना रहता है। तो दुकान की दीवार के इस तरफ तो हो गई थी लीपा पोती, अब मैं आ गई थी दीवार के इस तरफ जहाँ दुकान है, तो अब दुकान में गोबर से लीप दूंगी। तो ये दोरा है, यहाँ से ये गेट है यानी कि, और इसके बाहर दोरा पड़ता है, तो गोबर से यहाँ पे भी लीपे दे रही हूँ। और ऐसे कपड़े से आप अगर लीप देते हो ना, बहुत जल्दी जल्दी और आसानी से लिप जाता है और हाथों में ना चोट भी नहीं लगता है। वैसे अगर हाथ से करो ना गोबर से लीपो, तो बाई चांस में ना चोट लग जाती है, जैसे कि मिट्टी का वो है धरती, तो उसमें से कुछ भूसा उसा होता है तो वो लग जाता है हाथों में, लेकिन अगर कपड़े से आप लीपते हैं ना तो फिर नहीं लगता है, तो वो बढ़िया रहता है और जल्दी लीप भी जाता है। लेकिन इन दिनों का गोबर ही बढ़िया आ रहा है, इसके कारण आप कपड़े से लीप सकते हैं, तो उसमें आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए कमरा चमक गया है बिल्कुल अभी कमरा, तो पूजा पाठ करने के लिए अब कल के दिन हम रेडी हैं बिल्कुल। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।